सहारनपुर में स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन तनावपूर्ण है। हालात सामान्य नहीं है, शहर में सन्नाटा पसरा हुआ है। तीन तस्वीरें यहां पर आपके सामने। सड़कों पर सन्नाटा है, पुलिस की गश्त लगातार चल रही है, ड्रोन कैमरे से नजर रखी जा रही है। माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। पुलिस प्रशासन लगातार शहर पर निगरानी बनाए हुए है, लगातार फ्लैग मार्च किया जा रहा है। साथ ही शहर पर नजर रखने के लिए ड्रोन कैमरे को लगाया गया है। आसमान में उड़ते इस कैमरे से शहर की गलियों पर नजर रखी जा रही है। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, किसी तरह की ढील नहीं दी जा रही है। दंगाइयों से निपटने के लिए पूरी तरह से पुलिस मौजूद है, भारी तादाद में पुलिस की गश्त है, लगातार पुलिस गश्त कर रही है। सहारनपुर में कर्फ्यू लागू होने के बाद स्थिति सामान्य अब धीरे धीरे हो रही है, लेकिन शहर में तनाव अभी भी बना हुआ है। बीती रात कर्फ्यू के दौरान भी छिटपुट घटनाओं की खबरें मिली हैं। इलाके में 18 कंपनी अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है। आज दोपहर पीस कमेटी की एक बैठक भी हुई है। प्रशासन और शहर के गणमान्य लोग शांति बहाली की कोशिश में लगे हुए हैं। पहले सुलगता सहारनपुर अब शांत दिखाई दे रहा है, लेकिन शहर अब भी बारूद के ढेर पर बैठा है। शनिवार दोपहर बाद लागू हुआ कर्फ्यू जारी है। आम आदमी घरों में बंद है, सड़कों पर पावर्दी और बाबंदूक सैनिक हैं। आबादी में पुलिस के सायरन बज रहे हैं। लाउड स्पीकर से शहर के लोगों को चेतावनी दी जा रही है। शनिवार सुबह सहारनपुर के अंबाला रोड पर भड़की हिंसा में दुकानों को फूंक दिया गया। शहर में धुएं के बगुले उड़ने लगे, 3 लोग मारे गए, दर्जनों घायल हो गए। इसके बाद प्रशासन हरकत में आया। शनिवार शाम से शहर में कर्फ्यू लागू कर दिया गया। देखते ही गोली मारने के आदेश जारी कर दिए गए, लेकिन दंगाइयों का उन्माद गोलियों से नहीं दबा। शनिवार रात को सहारनपुर की सड़कों पर दंगाइयों के जत्थे निकलते रहे। शहर में शनिवार रात कई छिटपुट घटनाएं देखी गई। कई दुकानों में आग की तस्दीक करता धुआं निकलता दिखा। अखिलेश यादव के अमले का दावा है कि उसने इतनी तेजी से फैसले लिए कि किसी बड़ी घटना से पहले हालात काबू कर लिए गए। आज सुबह निकलने के बाद से कोई भी घटना कहीं रिपोर्ट नहीं की गई है। कर्फ्यू बहुत स्ट्रिक्टली एनफोर्स किया गया है, किसी को भी सड़क पर निकलने दिया जा रहा है। अलावा उनके जो लोग बीमार हैं या मरीज हैं, अस्पताल जा रहे हैं। जो एरिया कल को आपका मोस्ट अफेक्टेड था, वहाँ पर पूरी पुलिस पेट्रोलिंग है। हम लोगों ने छतों पर भी पुलिस लगा करके राइटर्स पर कंट्रोल करने का प्रयास किया है। मुख्य सचिव के मुताबिक इलाके में सैनिक और अर्धसैनिक बलों की 18 कंपनियां तैनात हैं। इनमें से 6 कंपनी शहर में तैनात की गई है। 6 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगाया गया है। रविवार दोपहर को स्थानीय लोगों की शांति समिति की बैठक की गई। इसमें स्थिति का ब्यौरा पेश कर दोनों ओर के गणमान्य लोगों ने शांति बहाली की अपील की। एक तरफ अमन कमेटी शांति बहाली में लगी है, दूसरी तरफ पुलिस दंगाइयों पर कार्रवाई का दावा कर रही है। शहर संगीनों के साए में है। दंगाइयों को रोकने के लिए तकनीक का भी सहारा लिया गया है। शहर पर आसमान से निगरानी रखी जा रही है। ड्रोन कैमरा शहर पर तीसरी आंख बनकर मंडरा रहा है, ताकि गलियों की हलचल पर नजर रखी जा सके। फिलहाल सहारनपुर ऊपर से शांत दिख रहा है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में तनाव की स्थिति अभी बनी हुई है। पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस ने कोशिश करी है कर्फ्यू लगाकर इस पूरी सिचुएशन को कंट्रोल करने की। कल जो जिस तरीके से आगजनी और दंगा जिस तरीके से भड़का यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे। कल शाम को जिस तरह से यहाँ पे जो लोगों के बीच में, दो गुटों के बीच में जो झगड़ा हुआ, उसके बाद यही अब बचा है इस मार्केट का। ये काफ़ी यहाँ का प्रोमिनेंट मार्केट था, यहाँ काफ़ी लोगों की आवाजाही थी। अचानक कुछ ही घंटों में यहाँ पर खड़ी हुई गाड़ियाँ और ये दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया। लेकिन सन्नाटे की तहों में अशांति फैलाने वाला तनाव दबा है। अंबाला रोड का बाजार सूना है, इन दुकानों की राख में चिंगारे दफन है। पुलिस शांति बहाली में लगी है, लेकिन हिंसा ने इंसानी आबादी में विभाजन की जटिल रेखा खींच दी है। अंकित त्यागी के साथ नितिन जैन, सहारनपुर आज तक।